हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे जुलाई मंथ के टॉप 100 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द ही हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होती आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी योजना आरंभ की गई? तो इसमें आंसर आएगा सोलर योजना। और इस योजना के तहत निजी कंपनियां किसानों के खेतों में सोलर पैनल लगाएगी। यह पैनल खेत के एक तिहाई हिस्से में लगाया जाएगा और यह पैनल जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा, जिससे उस हिस्से में होने वाली खेती भी प्रभावित ना हो। और इस पैनल के लिए निजी कंपनियां किसानों को किराए के रूप में 1 लाख रुपये सालाना भुगतान करेगी और इस किराए में हर साल 6% का इजाफा होगा। और यह एग्रीमेंट किसान और निजी कंपनियों के बीच 25 साल के लिए होगा। इससे किसानों को पहले साल 1 लाख रुपये किराए के रूप में मिलेंगे और 25वें साल 4 लाख रुपए मिलेंगे। और किराए के साथ किसान को 1000 यूनिट बिजली मुफ्त भी दी जाएगी। इससे किसानों की आमदनी में तो इजाफा होगा और साथ ही दिल्ली सरकार को भी सस्ती दर पर बिजली मुहैया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस टीम ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा फाइनल में क्रोएशिया को 4-2 से हराने के बाद फ्रांस ने 20 साल बाद दोबारा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 1998 में फ्रांस चैंपियन रह चुका है और 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला फ्रांस छठा देश बना है। फ्रांस से पहले ब्राजील, जर्मनी, इटली, उरुग्वे और अर्जेंटीना भी 2-2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा हैरी केन। हैरी केन टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 6 गोल कर गोल्डन बूट जीतने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले 1986 में मेक्सिको में हुए विश्व कप में गैरी लिनाकर ने गोल्डन बूट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में किस महिला खिलाड़ी ने पहली बार 400 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आंसर आएगा भारत की हिमा दास ने। हिमा दास ने फिनलैंड में आयोजित IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप की महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया और हिमा दास ने फाइनल में 51.46 सेकेंड का समय निकाला है और इस चैंपियनशिप में सभी आयु वर्गों में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला बन गई है। हिमा दास भारत के असम की रहने वाली है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी छठा स्थान प्राप्त किया था और हालांकि यह उनका बेस्ट स्कोर नहीं है, उनका बेस्ट स्कोर है 51.13 सेकेंड जो उन्होंने अंतर्राज्य चैंपियनशिप में निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में कालिदास पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा अंजलि इला मेनन को। कालिदास पुरस्कार या राष्ट्रीय कालिदास सम्मान यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक रूप से दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया है और इसे पहली बार 1980 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खेल प्राधिकरण का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा भारत खेल प्राधिकरण से प्राधिकरण शब्द अब हटा दिया जाएगा, अब इसे स्पोर्ट्स इंडिया या भारतीय खेल के नाम से जाना जाएगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में की गई थी। और आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि फिलहाल खेल मंत्री कौन है? फिलहाल खेल मंत्री और युवा मामलों के मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने 18 गेंदों में 50 रन बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय ओपनर स्मृति मंदाना ने इंग्लिश टी20 लीग के मैच में 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर
महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मंदाना के अलावा यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो इसमें आंसर आएगा, यह खिताब भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे बोम्बाली का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, बोम्बाली एक नया वायरस है, BOMV, यानी इसका मतलब है बोम्बाली वायरस। यह सेरा लियोन कंट्री में पाया गया है और यह उस कंट्री के बोम्बाली डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, इसलिए इसका नाम बोम्बाली वायरस रखा गया है और यह वायरस भी चमगादड़ों में पाया गया है। सेरा लियोन अफ्रीका की कंट्री है, यह अफ्रीका के वेस्ट में स्थित है और इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरियन और आर्ट डेको इंसेम्बल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, यह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों के तहत क्षय रोग यानी TB को खत्म करने के लिए कौन सा वर्ष वैश्विक लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 2030, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले ही टीबी को खत्म करने के लिए भारत के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2025 तक भारत में टीबी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को अपना खुद का खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करेगी? तो इसमें आंसर आएगा, उड़ीसा की सरकार, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, ग्रीन महानदी मिशन की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा पश्चिमी उड़ीसा स्थित सबलपुर जिले के दौरे में पौधारोपण करके ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत की गई। ग्रीन महानदी मिशन एक वृक्षारोपण अभियान है और इसके तहत महानदी के किनारे लगभग 2 करोड़ पौधारोपण किए जाएंगे और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है महानदी के किनारे हो रहे मृदा अपरदन को रोकना, यानी भूमि के कटाव को रोकना और ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करना है, और इस मिशन का उद्देश्य महानदी के अस्तित्व को बनाए रखना और उसकी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2018 के लिए पुरुष एकल वर्ग प्रतियोगिता खिताब जीत लिया है? तो इसमें आंसर आएगा, नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अनायुतु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, हाथियों के लिए दावत से है, और अनायुतु केरल के त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर के परिसर में आयोजित होने वाला एक त्यौहार है और इन हाथियों को भगवान गणेश के रूप में मानकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा, पाकिस्तान के फकर जमान, और फकर जमान ने सिर्फ 18 पारियों में यह 1000 रन पूरे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और इसके अलावा फकर जमान ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, और फकर जमान ने वनडे क्रिकेट में 2 बार आउट होने के बीच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। GST दिवस के रूप में किस दिन को नामित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, 1 जुलाई को। GST को 1 साल पूरा होने पर वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाएगी। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति कौन सी है? तो
तो इसमें आंसर आएगा रामानुजाचार्य मूर्ति हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा दूध योजना निम्नलिखित राज्य में से कहाँ शुरू की गई? तो इसमें आंसर आएगा यह योजना राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 2 जुलाई से 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध पिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग्स की तस्करी पर फांसी की सजा दिए जाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा पंजाब सरकार ने, और उन्होंने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूलों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम आरंभ किया? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली ने, और तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने नई दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान के शोएब मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसमें आंसर आएगा NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी फंसे हुए कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक समग्र नीति लाने का ऐलान किया है, और इस समग्र नीति को प्रोजेक्ट सशक्त के नाम से लागू किया जाएगा, जिसे सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए संबल योजना शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए एक बिजली बिल छूट योजना और सब्सिडी वाली बिजली योजना संबल लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया जो दिमाग का fMRI स्कैन देकर शख्स का बौद्धिक स्तर यानी उसका IQ लेवल पता लगाएगा? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका ने। अगर आपसे fMRI की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसका मतलब है फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, और fMRI रक्त प्रवाह से जुड़े परिवर्तनों का पता लगाकर मस्तिष्क गतिविधि को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश की पहली टैक्सी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में, और पूरी दिल्ली में इस तरह की करीब 200 कैब एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा चाय पे चर्चा अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चाय पे चर्चा अभियान की शुरुआत की, और राज्य के विभिन्न जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ चर्चा की। वह अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया जानने के लिए पंचकुला से लेकर जींद तक लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के पैनल ने शॉटपुट एथलीट इंद्रजीत सिंह पर कितने साल का बैन लगा दिया? तो इसमें आंसर आएगा 4 साल का। इंद्रजीत सिंह रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलीटों में से एक थे, और उनके मूत्र के नमूने में एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग में प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए, और जिसके बाद उन्हें 26 जुलाई 2016 से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया कर दिया गया था, और अब उन्हें धारा 2.1 का उल्लंघन का दोषी मानते हुए 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, और यह प्रतिबंध उनके अस्थायी निलंबन की तारीख से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला संपूर्ण डिजिटल कला संग्रहालय किस देश में खोला गया? तो इसमें आंसर आएगा संपूर्ण डिजिटल कला संग्रहालय जापान के टोक्यो में खोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारला बंबल भारत का अंतिम और स्वतंत्रता के बाद में पहली बार बिजली सेवा प्राप्त करने वाला गांव बन गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा नारला बंबल जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य में पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए विश्व रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस देश की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें आंसर आएगा भारत की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गौरव प्राप्त किया? तो इसमें आंसर आएगा सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर 664 और राहुल द्रविड़ 509 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी धोनी बन गए हैं। भारतीय टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरकर 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशुओं को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है, यह निर्णय किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसमें आंसर आएगा यह अनुच्छेद 21 के तहत आता है। सड़कों पर वाहन चालक पहले बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी इत्यादि को रास्ता दे, इससे राह बाधित नहीं होगी, और काम पर जाने वाले पशुओं को हर 2 घंटे में पानी 4 घंटे में भोजन देना आवश्यक है। पशुओं को एक बार में 2 घंटे से ज़्यादा पैदल चलाने पर रोक लगेगी और पशुओं के स्वास्थ्य भोजन इलाज के साथ ही उनकी भावनाओं और संवेदनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी वाहन में 6 से अधिक पशु न लादे जाएंगे और पशुओं को हाँकने के लिए चाबुक नुकीली खूंटी और डंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2018 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? तो इसमें आंसर आएगा इस इंडेक्स के मुताबिक सबसे पहला अमीर व्यक्ति है ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और सेकंड नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और अब फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग वारेन बर्फे को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के उस मिशन का क्या नाम है जिसे जल्द ही सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है, इसे 6 अगस्त को फ्लोरिडा प्रांत के कैप केनावेरल से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आंसर आएगा दीपा कर्माकर ने और यह टूर्नामेंट तुर्की के मर्सिन शहर में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने तुर्की के मेरसिन में FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें आंसर आएगा वॉल्ट इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चिंचोटी जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा चिंचोटी जलप्रपात महाराष्ट्र में है। तेज बारिश की वजह से चिंचोटी झरने पर पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और जिसकी वजह से वहां पिकनिक मनाने आए लोग फंस गए और लगभग 100 लोगों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अग्निशमक दल और स्थानीय पुलिस की मदद से सुरक्षित निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण पर विशेषज्ञों के तीसरे अंतर सरकारी की UNCTAD बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा दुबई में और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो इसमें आंसर आएगा इजराइल ने और इसके अनुसार आम नागरिक और NGO प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फोन विनिर्माण फैक्ट्री आरंभ की है? तो इसमें आंसर आएगा सैमसंग ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आरंभ की है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय दौरे पर आए हुए दक्षिण कोरिया के PM मून जेई इन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रेग्जिट का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मिनिस्टर डेविड डेविस
और उनके एक डेप्यूटी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और प्रधानमंत्री टेरिजा मे के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका, क्योंकि वह ब्रेग्जिट के बाद भी यूरोपीय संघ के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले आते हैं ब्रेग्जिट का मतलब क्या है। ब्रेग्जिट दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, यानी जिसका मतलब है ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ेगा। यूरोपीय संघ 28 यूरोपीय देशों की आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ, और इसके पीछे सोच यह थी कि जो देश एक साथ व्यापार करेंगे वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने से बचेंगे। तब से लेकर अब तक ये एक बाजार के तौर पर विकसित हुआ। इसके तहत देशों में सामान और लोगों को बेरोक टोक आवाजाही होने लगी, मानो सभी देश पूरा एक देश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मोहन बागान रत्न 2018 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा प्रदीप चौधरी को। भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लबों में से एक मोहन बागान के पूर्व डिफेंडर और पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रदीप चौधरी को क्लब अपने सर्वोच्च सम्मान मोहन बागान रत्न से सम्मानित करेगा। मोहन बागान रत्न की शुरुआत 2001 में हुई थी और दिव्यज्ञात साइलेन मानना को पहली बार यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आता है, मोहन बागान एथलीट क्लब है क्या? मोहन बागान एथलीट क्लब कोलकाता में स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है, और यह क्लब 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है, और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का भी गौरव प्राप्त है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का या एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा मोहन बागान एथलीट क्लब। और मोहन बागान किसी यूरोपीय टीम को हराने वाली पहली भारतीय टीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मृदुमलाई टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया है। MTR यानी मृदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा तमिलनाडु राज्य में। और इस कदम से निर्माण और वाणिज्य खनन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगेगा, और नीलगिरी यानी तमिलनाडु में रिजर्व के आसपास होटल और रिसोर्ट्स को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल ओडांतजे को किस उपन्यास के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा द इंग्लिश पेशेंट के लिए। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरकार ने करीब 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को हर साल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में उस गुफा का क्या नाम है जहां फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा थाम लुआंग गुफा से, और इनमें से कुछ बच्चे निकाले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है? तो इसमें आंसर आएगा गुजरात सरकार ने। और इस फैसले के बाद यहूदी समुदाय के लोगों को राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तैयार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में राज्यों के लिए सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें आंसर आएगा आंध्र प्रदेश राज्य, और इसके बाद हरियाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ का स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसमें आंसर आएगा विश्व बैंक द्वारा। सरकार के इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कदम का उद्देश्य राज्यों के बीच निवेश को आकर्षित करने और बिजनेस के माहौल को लेकर स्पर्धा को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य अब कितनी भारतीय भाषाओं में सदन में बोल सकेंगे? तो इसमें आंसर आएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा अंग्रेजी भाषा।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 वन और 351 में इन भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और ये 22 भाषाएं हैं, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा किस महिला नेता को फॉलो किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा सुषमा स्वराज को। 1.1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली महिला नेता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप फ्रांसिस के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले तीसरे सबसे बड़े पुरुष नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 11 जुलाई को और इस बार की थीम है फैमिली प्लानिंग इज ए ह्यूमन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने देश की पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा को लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा BSNL ने और इसे विंग्स का नाम दिया गया है। BSNL उपभोक्ता स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर SIP क्लाइंट ऐप डाउनलोड कर इंटरनेट कॉलिंग कर सकेंगे। सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क जरूरी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSNL ग्राहक देश की किसी भी फोन नंबर पर कंपनी के मोबाइल ऐप का उपयोग करके कॉल करने में सक्षम होंगे, उस ऐप का क्या नाम है? इसमें आंसर आएगा उस ऐप का नाम है विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के मामले में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा फ्रांस को पीछे छोड़कर। और इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2032 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने पुलिस पदक आरंभ किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा 5 पुलिस पदक और ये पुलिस पदक है केंद्रीय गृह मंत्री विशेष संचालन पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण कुशलता पदक, उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक। और इन सभी पदक की डिटेल के लिए आप हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो स्पेशल इन्हीं पुलिस पदक के ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की आजादी से संबंधित किस सेवा को भारत में आरंभ किए जाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा नेट न्यूट्रलिटी को। टेलीकॉम कंपनियां यूजर से अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज लेती हैं, साथ ही कुछ सर्विसेज को ब्लॉक भी कर दिया जाता है। नेट न्यूट्रलिटी आने के बाद कंपनियां हर यूजर से अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग चार्ज नहीं ले पाएगी। कंपनियां इंटरनेट की स्पीड को भी कम कर देती है और इस सिद्धांत के आने के बाद हर वेबसाइट पर समान स्पीड मिलेगी। टेलीकॉम कंपनियां ज्यादा डाटा कंज्यूम करने वाली सर्विसेज को ब्लॉक या स्लो नहीं कर पाएगी। कंपनियां किसी भी ऐसी ऐप के लिए फ्री डाटा नहीं दे पाएगी जो कंपनी को अलग से पैसे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुर्गा शक्ति ऐप का शुभारंभ किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला 3D व रंगीन एक्सरे की खोज की है? तो इसमें आंसर आएगा न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने माता पिता की देखभाल से संबंधित प्रणाम योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा असम सरकार ने।
असम सरकार ने देश में पहली बार एक अनूठी योजना प्रणाम योजना शुरू करने का निर्णय लिया है और इस योजना को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत ऐसी सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन से 10 या 15% तक की राशि काट ली जाएगी जो अपने माता पिता या दिव्यांग भाई बहन की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से आगामी समय में नीलगिरी तहर के लुप्त होने की संभावना जताई गई है, ये किस प्रजाति की नस्ल है? तो इसमें आंसर आएगा नीलगिरी तहर बकरी की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा उड़ीसा राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले देश के चौथे बल्लेबाज और विश्व के 12वें बल्लेबाज बन चुके हैं? तो इसमें आंसर आएगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर बांध किस भारतीय नदी पर स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा सोन नदी पर। विंध्य क्षेत्र की बहुउद्देश्यीय बाण सागर नहर परियोजना का कार्य पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन मिर्जापुर के चनईपुर गांव से किया। 3500 करोड़ की लागत से बनी इस 170 किलोमीटर नहर परियोजना के यूपी हिस्से का कार्य इसके शिलान्यास के 39 साल बाद पूरा किया जा सका है। इस नहर परियोजना का लाभ प्रदेश के दो बड़े जिलों मिर्जापुर और इलाहाबाद के एसिंचित क्षेत्रों के 1.70 लाख किसानों को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश नामक अभियान की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य द्वारा। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर देने के लिए आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी से नहीं डरता हूँ नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को मगरमच्छ द्वारा काटे जाने से हुई मौत का बदला लेने के लिए किस देश में लोगों ने 300 मगरमच्छों को मार डाला? तो इसमें आंसर आएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पौधागिरी अभियान लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा पौधागिरी अभियान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पेटकॉक किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा पेटकॉक तेल परिष्कृत मिट्टी से संबंधित है। पेटकॉक यानी पेट्रोलियम कॉक पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक सह उत्पादक है जो हैवी मेटल्स के उत्सर्जन और सल्फर की अत्यधिक मात्रा के कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के रूप में चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा रमेश पोवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा भारत के किस जिले में दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना शुरू की गई है? तो इसमें आंसर आएगा दरभंगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिर से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक शिकायत दर्ज कराई है? तो इसमें आंसर आएगा ईरान ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही न्यूट्रिनो वेधशाला किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु के थेनी जिले की बोडी पहाड़ियों में कई संस्थाओं के सहयोग से स्थापित की जा रही है। यह वेधशाला चट्टान से 1200 मीटर की गहराई पर होगी और इसमें कई गुफाएं होंगी और इस परियोजना की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर सहयोग दे रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग इसके लिए केंद्रीय एजेंसी के तौर पर काम करेगा। परियोजना का उद्देश्य न्यूट्रिनो पर मूलभूत अनुसंधान करना है और भारत के 21 अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय और आईआईटी इस परियोजना में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने किसे राज्य का खेल एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा हिमा दास ने। हिमा दास के ऊपर हमारी एक वीडियो भी आ चुकी है,
आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें हिमा दास के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारत के किस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा करने को उनका अधिकार बताया? तो इसमें आंसर आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने और प्रार्थना करने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सबरीमाला मंदिर कोई निजी संपत्ति नहीं है, यह एक सार्वजनिक संपत्ति है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों की तरह पूजा अर्चना करने का संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा 100 रुपये के नोट में रानी की वाव को शामिल किया गया है जो संबंधित है, तो इसमें आंसर आएगा, रानी की वाव गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर की 24वीं वार्षिक कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा, सबसे महंगा शहर है मुंबई, और इसके बाद नई दिल्ली और चेन्नई का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, मध्य प्रदेश सरकार को। और मध्य प्रदेश में 2014 से 2016 तक मातृ मृत्यु दर में 48 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, बाल शिक्षा से। इस पॉलिसी के तहत 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को परीक्षा पास किए बिना अगली कक्षा में दाखिला दे दिया जाता है, और इस पर राज्यों ने आपत्ति जताई है। राज्यों ने कहा है कि परीक्षा में पास हुए बिना अगली कक्षा में जाने के नियम से छात्र जानबूझकर नहीं पढ़ते और छात्र बुनियादी शिक्षा नहीं ले पाते। 8वीं कक्षा के बाद वे परीक्षा में फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने कानून पारित किया है कि केवल यहूदियों को देश में आत्मनिर्भरता का अधिकार है? तो इसमें आंसर आएगा, इजरायली संसद ने 19 जुलाई को संवैधानिक कानून पारित कर इसराइल को यहूदी राज्य घोषित कर दिया है, और यह निर्धारित किया केवल यहूदियों का ही यहाँ अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा NSCNIM का मतलब निम्नलिखित में से किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, नागा लोगों के संगठन से, यानी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित ईसाई आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम म्यांमार और भारत के नागालैंड में आतंकी हमले करता रहता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है नागालैंड के सभी लोगों का धर्मांतर कर उन्हें ईसाई बनाना है। इसका मुख्य रूप से नागा लोगों जो पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिम म्यांमार के हैं का इस संगठन द्वारा जबरदस्ती धर्मांतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन पेंशन सिस्टम के लिए आधार आपकी सेवा का नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 27 जुलाई तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे, जिनके नाम निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें आंसर आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 27 जुलाई के बीच अफ्रीका महाद्वीप के यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। इस यात्रा की खास बात यह है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली रवांडा यात्रा होगी, लेकिन इससे भी खास यह होगा कि मोदी का रवांडा को 200 गाय तोहफे के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफर वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किस भारतीय शहर में किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा
दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा माना जाता है? तो इसमें आंसर आएगा श्रीलंका के दक्षिण में स्थित मटाला हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय प्रजाति पेंगोलिन की तस्करी रोकने के लिए एक स्पेशल अभियान की शुरुआत की है? तो इसमें आंसर आएगा उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया में लागोस इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 में निम्नलिखित में से किसने पुरुष युगल खिताब जीता? तो इसमें आंसर आएगा मन्नू अत्री और सुमित रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उड़ीसा का जनजातीय एटलस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? तो इसमें आंसर आएगा नवीन पटनायक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्तित्व को मिस एशिया द्वीप 2018 का ताज पहनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा देशना जैन को। इन्होंने ताइवान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और इतना ही नहीं मिस डेफ वर्ल्ड में भी देशना जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 27 जुलाई 2018 को ब्रिक्स देशों की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा जोहान्सबर्ग में। और इस बार की बैठक की थीम है अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आंसर आएगा प्रथम स्थान है कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार अब ऐसा होटल तैयार करने जा रही है जहां सिर्फ महिलाओं की एंट्री होगी और महिलाएं इस होटल को चलाएंगी। केरल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक ऐसा होटल शुरू करने जा रहा है जो महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए ही होगा। और इस होटल का उद्देश्य होगा कि जो महिलाएं अकेले किसी बिजनेस ट्रिप या किसी दूसरे उद्देश्य से यात्रा करती है उनको एक सुरक्षित जगह मिले, और इस होटल का नाम होगा होस्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंग्लैंड का बार्मी आर्मी द्वारा इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इंग्लैंड का बार्मी आर्मी की तरफ से 2017 और 2018 के इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। बार्मी आर्मी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का फैन क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल्लेबाज ने अंडर-19 क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया? तो इसमें आंसर आएगा हम्बनटोटा में श्रीलंका के साथ अंडर-19 क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के युवा बल्लेबाज पवन शाह ने 282 रन बनाए, और यह अंडर-19 युवा टेस्ट मैच में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पीपी नल फेनोटाइप नामक एक अनोखे ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा कर्नाटक में। कर्नाटक के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल ने एक रेयर ब्लड ग्रुप का पता लगाया। इस ब्लड ग्रुप का नाम पीपी नल या पी नल फेनोटाइप है। डॉक्टरों का कहना है कि यह देश का पहला और अभी तक का इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर पीपी ब्लड ग्रुप पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अभूतपूर्व समाजसेवी कार्य के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चुना गया? तो इसमें आंसर आएगा सोनम वांगचुक को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की लिस्ट में इस बार दो भारतीयों को शामिल किया गया है, एक भरत वाटवानी और दूसरा सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अहम योगदान दिया है, और वहीं लद्दाख में सूखे की समस्या से निपटने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार कर दिया ताकि पानी की कमी हो तो लोगों को आसानी से पानी मिल सके। और वहीं भरत वाटवानी एक मनोवैज्ञानिक है जो सड़कों पर रहने वाले गरीब मनोरोगियों के संरक्षण के लिए काम करते हैं, और इसलिए इन दोनों को इस बार के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है।
नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है और इसे प्राय एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान आम चुनाव में इनमें से कौन सी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान के आम चुनाव में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की अध्यक्षता वाली पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इमरान खान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इमरान ने साल 1996 में पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखा था और उससे पहले वह एक बेहद ही सफल क्रिकेटिंग पारी खेल चुके थे और अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 1992 में वनडे विश्व कप का खिताब दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का उद्देश्य हेपेटाइटिस को किस वर्ष तक खत्म करना है। तो इसमें आंसर आएगा हेपेटाइटिस को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा रूसी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता गया। तो इसमें आंसर आएगा सौरभ वर्मा द्वारा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सौरभ वर्मा किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि सौरभ वर्मा बैडमिंटन के खिलाड़ी है और सौरभ वर्मा का जन्म धार मध्य प्रदेश में हुआ था और फिलहाल वे हैदराबाद में रह रहे हैं और सौरभ वर्मा के कोच है पुलेला गोपीचंद और सौरभ वर्मा की वर्ल्ड रैंकिंग है 65th और इस ओपन को जीतने वाले वे पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा में भगोड़ा अपराधी विधेयक बिल पास किया गया है जिसमें कितने रुपए के अपराध करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे अपराध किए जिसमें 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की रकम शामिल है और वे भारत से फरार है या भारत में कानूनी कार्रवाई से बचने या उसका सामना करने के लिए भारत आने से इनकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसमें आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्निटिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें आंसर आएगा टर्निटिन सॉफ्टवेयर का उपयोग साहित्य चोरी की जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने डीजी यात्रा नामक एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है। तो इसमें आंसर आएगा यह हवाई यात्रा से संबंधित है। डीजी यात्रा का लक्ष्य एयरपोर्ट पर प्रवेश और बोर्डिंग से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं में कागजी काम को कम करना है। इसमें टिकट बुकिंग से लेकर एयरपोर्ट में प्रवेश और बोर्डिंग तक की प्रक्रिया को डिजिटल करने की तैयारी है। इस व्यवस्था के तहत यात्री हवाई अड्डे पर अपने चेहरे या पुतलियों की मदद से अपनी पहचान सुनिश्चित करा सकेंगे और एक बार यह पहचान रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद भविष्य में हवाई अड्डे पर प्रवेश के लिए उसे किसी भी कागजी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। इसकी मदद से यात्री मोबाइल और आधार नंबर के जरिए भी प्रवेश कर सकेंगे। और फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्री है सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी का दूसरा और अंतिम मसौदा जारी किया गया है। तो इसमें आंसर आएगा असम राज्य द्वारा और इसमें लगभग 40 लाख लोगों को जगह नहीं मिली है। इसके लिए 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था और इसमें लगभग 40 लाख लोगों का नाम नहीं है और जिनका नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें 1 अगस्त से दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।